हम मैं लोग अपने शायद रूम में बैठ के खाना खा रहे थे, टीवी का पर्दा हटा हुआ था तो हमें अचानक से नजर आ गई तो हम लोग खाना छोड़ के बाहर आ गए। तो ये लग कितनी प्यारी रही है। तो जनाब, मालम जब्बा में हमने लिया है। ये होटल ज़रियाब होटल है, ये पीसी से थोड़ा सा नीचे ही आता है और कहा जाता है कि पीसी के बाद कोई अच्छा सा होटल है ये। ठीक है, यहाँ पर और सामने ही ये फ्रंटियर व्यू अपना होटल है, सामने 360 व्यू भी आता है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हमें ये रूम मिल गया है, बड़ा अच्छा और मुनासिब सा। चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है। चलें जी, हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। और हाँ जी जनाब, ये है हमारा रूम, प्यारा सा छोटा सा। छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा रूम इन्होंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ इन्होंने। हीटर की फैसिलिटी भी मौजूद है यहाँ पे, गीज़र भी लगा हुआ है ऑलरेडी, और बेहतरीन गैलरी का व्यू भी है। यहाँ से हम गैलरी से व्यू कर सकते हैं पूरा लाखों का। यहाँ पे सिटिंग भी है, गैलरी में भी सिटिंग दी हुई है इन लोगों ने। यहाँ पे बंदा बैठ सकता है आके, सेपरेट गैलरी दी हुई है। इस वक्त तो शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो मज़ीद व्यू हम आपको दिन में भी दिखाएंगे। चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है, ठंड बहुत हो रही है। चलें पकाया है। ये इन्होंने छोटी सी जगह दी हुई है बैठने के लिए, छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान सेट कर दिया है रेडी होने के लिए। ठंड बहुत लग रही है इसलिए हम इस चीज़ों में बैठे हुए हैं। जी जनाब, हम लोग मौजूद हैं मालमजबा में, और इस वक्त रात को अचानक से बहुत हल्की हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है, जो आहिस्ता आहिस्ता शायद तेज़ हो जाए। ये देखें, ये बर्फ़ गिर रही है। हम मैं लोग अपने शायद रूम में बैठ के खाना खा रहे थे, टीवी का पर्दा हटा हुआ था तो हमें अचानक से नजर आ गई तो हम लोग खाना छोड़ के बाहर आ गए। तो ये लग कितनी प्यारी रही है। मैं दुआएं मांग रही थी क्योंकि मरी में जितनी बार गई हूँ मैंने बर्फ बर्फ गिरी भी देखी है, बर्फबारी क्या कहते हैं ये नहीं देखा। दुआएं मांग मांग के आई हूँ। हमारे तो घर ही बैठ गए, इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे शहद की मक्खियां हो। हाँ जी, ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यकीनन सुबह तक ये बर्फ़ में जो है ना ढक जाएंगी हमारी गाड़ियाँ। ये चारों तरफ इतनी बर्फ़ फैली हुई है। ये हमने खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के उठ के गई हैं बर्फ़बारी देखने।
चलें जी, ठंड यहाँ पे इतनी है कि ये हीटर तो किसी काम के नहीं है यहाँ पर। और हमने दूसरी रजाई भी मंगवा ली है, एक ये बेड की हालत हमने की है, दूसरी रजाई भी मंगवा ली हमने। और अभी हमने खाना फिनिश किया, हमने दाल चना मंगवाई, 3 तंदूरी नान मंगवाए, साथ में प्याज और पानी। अभी मंगवाएंगे हम चाय। बस अभी खाना खत्म ही किया था, खा रहे थे, बाहर से मुझे नजर आ गया, यहाँ से नजर आया, बाहर खड़े थे, आपको बाहर से नजर नहीं आई? अच्छा, मुझे शीशे में नजर नहीं आया था। चाय इसमें बहुत सारी पड़ी है, तो और पियेंगे ना। चाय आ चुकी है और हमारी तैयारी गैलरी में जाने की हो चुकी है, क्योंकि बाहर हो रही है बर्फबारी, स्नोफॉल। तो मालम जब्बा में जो हम एंजॉय करने के लिए आए थे, तो अब वही एंजॉय करने के लिए हम जा रहे हैं बाहर। अब हम खोल रहे हैं गैलरी और जाएंगे। ये देखें जी, हाय हाय हाय, गुजरा है, ये देखें जी, ये होगी बर्फबारी, धमाधम। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ठंडे मौसम में। यहाँ पर भी आ रही है बर्फ, स्नोफॉल में मैं चाय का मजा ले रही हूँ। जी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ये रात को जो बर्फबारी हुई है, ये हमारे रूम की हालत है। ये देखें जी, पूरी गैलरी तक पूरा रोड बर्फ हो पड़ा है, और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये उसकी हालत है।